कभी इलेक्ट्रिक वैगनआर के बारे में सुना है? टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट एसयूवी, अफोर्डेबल और एडवांस एमजी ZS। टुडे वी आर टॉकिंग कार्स। सो हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। आज हम आपको 2021 में लॉन्च होने वाली कार्स के बारे में बताएंगे, हम उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे, उनकी लॉन्च डेट और उनके प्राइसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन बिल्कुल दबाएँ और हम चलते हैं आज की हमारी पहली गाड़ी पर। Isuzu अपनी 2021 MU-X इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ये गाड़ी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट इंडिया में जो इसका BS6 का वेरिएंट है वो बना करके इस गाड़ी को फिर से प्रोड्यूस करा जाएगा। Isuzu MU-X 2021 थोड़ी सी दिखने में, लुक्स में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है अगर आप देखो तो, क्योंकि ये कंपनी की नई इंस्पिरेशन ईगर्ड इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के अंदर फॉल करती है। इसका आगे का लुक थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें आपको नए LED DRLs मिलेंगे और उसी के साथ साथ आपको इसमें 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी मिलने वाले हैं। अब अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको रूफ माउंटेड स्क्रीन मिल जाती है, बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब समझ लो जो ऐसे पहले वाली गाड़ी में था वो इस गाड़ी में भी है, लेकिन और थोड़ा सा एडवांस होकर के आया है। इसमें आपको 3 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिल जाता है जो कि 198 PS के पावर के साथ ही साथ करीब 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके दोनों वेरिएंट आपको मिलेंगे, इसमें आपको 4:4 वेरिएंट भी मिलेगा और 4:2 वेरिएंट भी मिलेगा। ये लॉन्च हो रही है इसी साल 2021 जून में ये गाड़ी लॉन्च हो रही है और करीब 29 लाख रुपीस के आसपास ये गाड़ी आपको पड़ेगी। और ये गाड़ी कम्पीट करती है बड़ी गाड़ियों के साथ, जैसे आपकी एमजी ग्लॉस्टर हो गई या फिर ऐसे टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई, तो इन गाड़ियों के साथ ये गाड़ी कम्पीट करेगी। तो जिन लोग को भी पहले वाली Isuzu MU-X ज़्यादा नहीं पसंद थी, वो इस चीज़ को जा करके ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होकर के आ रही है, बढ़िया पावर के साथ आ रही है और थोड़े से नए फीचर्स भी हैं इसमें। चलते हैं हमारी अगली गाड़ी पे जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट एसयूवी है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टाटा। द ऑल न्यू टाटा मोटर्स माइक्रो एसयूवी HBX। ये एक माइक्रो एसयूवी होने वाली है, यानी कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 3,822 mm की है और अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो 1,822 mm की इसकी विड्थ है। तो अगर आसान भाषा में समझना चाहते हो तो स्विफ्ट से थोड़ी, स्विफ्ट मारुति सुजुकी की जो स्विफ्ट कार आती है उससे थोड़ी सी बड़ी कार देखने में लगेगी, लेकिन अगर आप इसके लुक देखो तो एक प्रॉपर ऑफ रोडर कार की तरह लगती है और इस कार में थोड़ा सा टाटा हैरियर का भी डिज़ाइन झलकता है। तो अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 85 PS के पावर प्रोड्यूस करने के साथ ही साथ 113 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। अब अगर पैसे की बात करें तो टाटा आपसे बहुत ज़्यादा पैसे कभी भी नहीं लेता है, थोड़े बहुत मुनासिब पैसे में आपको बढ़िया सी गाड़ी प्रोवाइड कर देगा। तो 5 लाख रुपए के आसपास आपको ये कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल सकती है, तो आप देख लो कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। और हम चलते हैं अब अपनी अगली गाड़ी के ऊपर। हम बात कर रहे हैं Hyundai Alcazar की जो कि एक 7-सीटर एसयूवी है और इसको क्रेटा का सक्सेसर भी बोला जा रहा है। अब ये क्रेटा से दिखने में तो एक्सटीरियर वाइज थोड़ी सी वैसे ही लग रही है, बट उससे बड़ी है। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको क्रेटा से ज़्यादा बड़ा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, इसमें आपको LED लाइट्स वगैरह तो सब मिल ही रही हैं। उसी के साथ साथ इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल जाता है अंदर, तो एक काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। ये गाड़ी आपको 2 इंजन में देखने को मिलेगी, एक पेट्रोल इंजन में और एक डीजल इंजन में। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 लीटर का एक इंजन मिल जाता है जो कि 159 PS के पावर प्रोड्यूस करता है और दूसरा इसमें जो डीजल इंजन होता है वो 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन इसमें आपको मिलता है जो कि 113 PS का पावर के साथ ही साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। तो पावर वाइज भी ये गाड़ी में मतलब सफिशेंट पावर है और ये गाड़ी कम्पीट करती है MG Hector के साथ, XUV 500 के साथ, अब XUV 700 के साथ भी ये कम्पीट करेगी
जब एक्सयूवी 700 लॉन्च हो जाएगी। ये कार लॉन्च होने वाली है मई से जून में 2021, मई और जून के महीने के आसपास ये कार लॉन्च होगी और ग्लोबली लॉन्च होगी, बट स्टार्ट होगी इंडिया से। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है एक 7 सीटर कार क्रेटा से बड़ी। अगर आप क्रेटा देखो ऐसे आपको कितना 15 लाख के आसपास ऐसे खर्च करना रहता ना, बट अगर आप अल्काज़ार लेते हो, ह्युंडई अल्काज़ार लेते हो जो कि क्रेटा से कंपैरेटिवली बड़ी भी है और ज़्यादा फीचर्स भी हैं, 7 सीटर भी है, तो वो आपको 15 से 20 लाख रुपए के आसपास में जो है ये कार पड़ने वाली है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है क्रेटा लवर्स के लिए, जो उनको क्रेटा पसंद है, ह्युंडई लवर्स, और जिनको ऐसे एसयूवी चाहिए तो आप लोग जाकर के देख लो कि कौन सी आपको गाड़ी लेनी है। और हम जाते हैं हमारे अगली गाड़ी पर। तो आज की जो हमारी अगली गाड़ी है वो 2021 दी ऑल न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी की सेलेरियो है। तो सेलेरियो लॉन्च होते ही बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि गाड़ी छोटी थी, गाड़ी कंपैक्ट थी, गाड़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, गाड़ी में थोड़े से एडेड फीचर्स थे और आपको थोड़े से ही ज़्यादा पैसे खर्च करके थोड़ी सी अलग दिखने वाली गाड़ी जो थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत है वो मिल जाती थी। इसीलिए यंगस्टर्स को ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। बट जो 2021 नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो है वो हमारी एग्जिस्टिंग सेलेरियो से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बोल्डर है, ज़्यादा शार्पर है इन टर्म्स ऑफ लुक्स ऑल्सो, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी थोड़ा सा 20 ही है। 2021 सेलेरियो में आपको नया बम्पर मिल जाता है, एक बढ़िया और नई ग्रिल मिल जाती है, एक थोड़ा सा बड़ा बोनेट मिल जाता है, उसके बाद में आपको नए एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं और ओआर VMs भी मिल जाते हैं। ये तो हो गई एक्सटीरियर की बात, और इंटीरियर में आपको इसमें पूरा का पूरा जो कंसोल है वो इसका रीडिजाइन कर दिया गया है। इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। इसमें समझ लो छोटी सी गाड़ी है लेकिन इतने सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। अब अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.6 लीटर का एक 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है जो कि 64 PS के साथ ही साथ 90 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। और ये 2 वेरियंट में आएगी, इसमें 5-speed आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको इसमें 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। ये लॉन्च होने वाली है इसी साल दिवाली से पहले पहले और इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही ज़्यादा नहीं होने वाली है, 4 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक में आपको ये गाड़ी बढ़िया से मिल जाएगी। सेलेरियो बढ़िया से एडवांस फीचर्स के साथ छोटी गाड़ी कहीं भी लेकर के निकल जाओ। तो अगर आपको सेलेरियो पसंद है या फिर आप ऐसे कोई छोटी गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आपको पता है कि आपको कौन सी गाड़ी देखनी है। और हम चलते हैं अब हमारी अगली गाड़ी पे जिसके बारे में आपने इससे पहले सुना होगा, बट शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। अब इस कार को आप, हम सभी लोग जानते हैं। हमारी जो अगली हैचबैक है, जो हमारी अगली लिस्ट की कार है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कार है, लेकिन ये पॉपुलर कार इस बार केप पहन करके आई है। हम बात कर रहे हैं 2021 वैगनआर की। अब आप लोग सोचोगे कि मैं वैगनआर क्यों बता रहा हूँ। मैं वैगनआर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वैगनआर मुझको, आपको, हम सभी लोगों को सरप्राइज करने आ रही है, बिकॉज 2021 में वैगनआर अपना EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला वर्जन लॉन्च करने वाला है जो कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार होने वाली है। ये एक बैटरी ऑपरेटेड कार होगी जो कि लिथियम आयन बैटरी के थ्रू चलेगी, जो कि ऐसे रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो कि फोन वोन में लगी होती हैं बट ऐसे आपको दिखती नहीं है। 2021 वैगनआर EV को आप फ्यूचरो ई के नाम से भी जानेंगे और उसके बाद में ये एक ऐसी फुली पूरी प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार है जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है, इसमें आपको बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड और स्मार्ट प्ले से कनेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद में इसमें आपको बढ़िया पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। अगर आपकी एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में वैगनआर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगती है, बट हाँ थोड़ी सी और ज़्यादा शार्प करी गई है। इसमें आपको नए अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा आगे का लुक भी थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें इंजन तो है नहीं, बैटरी से चलने वाली कार है, तो ये कितना कार चलेगी? तो अगर आप देखो तो एक फुल चार्ज करो तो ये कार आपकी 200 किलोमीटर तक के चलेगी, और अगर आपको चार्ज करना हो तो ये 80% तक की बैटरी अपने फास्ट चार्जिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स में कंप्लीट कर देगी। तो समझो आप 200 किलोमीटर चले, आपने 40 मिनट में फिर से आप 200 किलोमीटर चल सकते हो। अब बात करते हैं कि कितने में आपको गाड़ी मिलने वाली है। तो वैसे तो 9-10 लाख रुपए के आसपास इसका पैसे जाने वाले हैं, बट आपकी स्टेट सब्सिडी और उसके बाद में आपकी सेंट्रल सब्सिडी जब आपको मिल जाएगी तो 7 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वैगनआर छोटी
छोटी हैचबैक जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है 2021 में लॉन्च होने वाली है, आप इसकी टेस्ट बुकिंग जा करके देख सकते हो, बुकिंग करा सकते हो, अगर पसंद आए तो फिर अपने घर ला भी सकते हो। और हम चलते हैं हमारी अगली गाड़ी। अब चलिए थोड़ा सा सेडान्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेडान देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है और एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेडान लॉन्च होने वाली है 2021 में। तो जो हमारी पहली सेडान जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं वो है स्कोडा ऑक्टेविया 2021। स्कोडा ऑक्टेविया जब पहले लॉन्च हुई थी 2000s में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी अपनी लुक्स की वजह से, क्योंकि देखने में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो 2021 वाली जो स्कोडा ऑक्टेविया है वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही लग रही है। इसमें आपको आगे की जो हेडलाइट है, तो जैसे पहले आपको स्प्लिट हेडलाइट्स मिलती थी, अब आपको स्प्लिट हेडलाइट्स नहीं मिल रही हैं, अब आपको सिंगल हेडलाइट मिलेंगी। इसमें आपको आगे बढ़िया एक नई ग्रिल भी मिल जाएगी। तो जो 2021 स्कोडा ऑक्टेविया है उसके जो हार्डवेयर है वो कोडियाक और सुपर्ब के जो है उसमें यूज करेंगे। अब अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं आए, आपको पहले वाला स्कोडा ऑक्टेविया का ही इंजन मिलने वाला है और ये 2021 में दिवाली के आसपास लॉन्च होने वाली है। अब अगर हम इसके पैसे की बात करें कि कितना आपको खर्चा करवाने वाली है, तो अभी वैसे तो इसका कुछ ऑफिशियल आया है नहीं कि कितने की कार ये होने वाली है, बट मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से ये गाड़ी आपको 18 से 25 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। स्कोडा ऑक्टेविया एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद ट्रस्टवर्दी कार रही है, उसमें बहुत ही बढ़िया इंटीरियर है, बहुत ही बढ़िया लुक में भी है, पावर वाइज भी बहुत अच्छी है और उसी के साथ साथ एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस भी देती है। एंड दिस 2021 स्कोडा ऑक्टेविया कैन बी योर नेक्स्ट कार। तो हम चलते हैं अपनी अगली गाड़ी पे जो कि बिल्कुल समझ में आने वाली है। अब अगर हम महिंद्रा की बात कर रहे हैं तो महिंद्रा स्कॉर्पियो कैसे पीछे रहने वाली थी, तो 2021 में महिंद्रा स्कॉर्पियो अपना पूरा का पूरा नया वर्जन उतार रहा है, दी ऑल न्यू 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो। अभी जो 2021 वाली स्कॉर्पियो है इसको रिसेंटली ऐसे टेस्टिंग पर देखा गया है और अगर इसके एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो इसमें आपको ब्रॉड एयर इंटैक्ट मिल जाएंगे, इसमें आपको बड़ा बम्पर मिल जाएगा, बड़ा टेल गेट मिल जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस स्कॉर्पियो। और अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो अभी कुछ भी पता चल नहीं पाया है, बट हाँ, आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बहुत ही बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम तो मिलने ही वाला है। 2021 स्कॉर्पियो आपको दो इंजन के साथ देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2.2 लीटर का TGDI पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 119 PS के साथ ही साथ 390 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दूसरा, इसमें आपको 2.2 लीटर का MHawk डीजल इंजन भी मिल जाता है। पावर वाइज तो स्कॉर्पियो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही है। अब ये गाड़ी लॉन्च कब होने वाली है, तो दिवाली, इस साल दिवाली के आसपास ये गाड़ी आपको लॉन्च होते हुए नज़र आएगी। अगर हम इसके पैसे की बात करें तो इसके पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, 11 से लेकर के 15 लाख रुपए तक के बीच में ये गाड़ी का प्राइसिंग कहीं आने वाली है। तो स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपके पॉकेट का भी ख्याल रखने वाली है, एक बढ़िया ऑप्शन है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। इंडिया के सबसे बड़े SUV मैन्युफैक्चरर महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो और XUV500 के बाद अब 2021 में एक नई 3 रो वाली SUV लॉन्च करने का सोचा है, जिसका नाम है XUV700। इस कार में आपको कंप्लीट न्यू एक्सटीरियर के साथ रिवैम केबिन और एडेड फीचर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ ये कार XUV500 के कंपैरिजन में लंबी और चौड़ी भी है। इस गाड़ी में आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बहुत बढ़िया से अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो ये गाड़ी कुल मिला करके देखने में और फीचर वाइज XUV500 और स्कॉर्पियो से ऊपर ही है। इसमें आपको अंदर अगर बात करो इसमें स्पेस की भी, तो इसमें आपको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं आपको इस गाड़ी में। उसके अलावा अगर बात करें कि ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है, तो ये 2021 के सेकेंड हाफ में कहीं पर जाकर के लॉन्च होने वाली है। और अब फाइनली बात करते हैं कि ये एक्चुअली कितने पैसे आपके जेब से खर्चा कराने वाली है, तो ये करीब 18 से 20 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है जो कि 2021 में लॉन्च होने वाली है। तो आप इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव बुक करवा सकते हो, क्योंकि पता नहीं चलता है जब तक आप अपनी गाड़ी को फील मत करो, जब तक
अगर आप उस पर बैठो ना, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो या कार हो, जब तक आपको आपका व्हीकल वो फील नहीं देता, वो वाइब नहीं देता, तब तक वो आपका व्हीकल नहीं हो पाता। तो बढ़िया से देखो, इसकी टेस्ट राइड जा करके बुक करो, अगर समझ में आए तो ले लो, नहीं तो हम जल्दी से चलते हैं हमारी अगली गाड़ी पर। हमारी अगली गाड़ी 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस करी गई थी और वहाँ पर ही उसने बहुत सारी पब्लिक का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था। हम एक इलेक्ट्रिक एसयूवी की बात कर रहे हैं जो कि ह्यूंडई की है, ह्यूंडई नेक्सो। ये एक अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है जो कि एक एसयूवी होने वाली है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि सभी लोग ऐसे इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं और बहुत सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इलेक्ट्रिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए उसी में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी कर रहे हैं। उसी तरह से उसी का ये रिजल्ट है जो कि ह्यूंडई नेक्सो है, क्योंकि आप इसकी रेंज सुनोगे ना, क्रेजी रेंज है। जैसे कि हमारी वैगनआर 200 किलोमीटर जा रही थी एक बार के फुल चार्ज पे, वहीं पर ये नेक्सो, ह्यूंडई नेक्सो 397 किलोमीटर जाने वाली है, यानी करीब 400 किलोमीटर। और उसी के साथ साथ जैसे हमारी वैगन आर एक जैसे 80% फिल करने में आपको 40 मिनट लग रहे थे, एक घंटा लग रहा था, बट इसमें आपको 80% तक आपको रिचार्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने लगेंगे, 5 मिनट लगने वाले हैं। तो 5 मिनट में आपकी गाड़ी फिर से चार्ज हो जाएगी और ये चीज़ एक्चुअली एसयूवी मार्केट में रेवोल्यूशन लाने वाला है। और अगर हम इसे पावर की बात करें तो ये गाड़ी पावर में भी कहीं से कम नहीं है। इसमें आपको 163 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ साथ 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी मिल जाता है। अब अगर हम इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको मिल जाएगा, लेन ड्राइविंग असिस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जैसे कैम्प्स लगाते हो, अगर उसमें लाइट नहीं है तो इस गाड़ी के थ्रू आप उस कैम्प्स में भी लाइट दे सकते हो। समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल से एडवांस कर रही है और बेहतर यही होगा कि हम टेक्नोलॉजी और दुनिया के साथ चलें। ये कार 2021 इसी साल लॉन्च होने वाली है और दिवाली से पहले पहले ये कार लॉन्च होगी। और इस गाड़ी की अगर आप प्राइसिंग की बात करो तो ये करीब आपको 65 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी पड़ सकती है। तो ये बहुत ही बढ़िया एसयूवी का ऑप्शन है। तो मेरी पर्सनल राय है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को ऐसे, अगर आप बहुत ऐसे क्रेजी पेट्रोल हेड नहीं हो या अगर आपको ऐसे टर्बो डीजल की आवाज़ एक्सीलेट करना पसंद नहीं है, अगर आप थोड़े से सुकून की कंफर्टेबल और थोड़ा सा इकोनॉमिकल राइड चाहते हो एक बड़ी और बढ़िया एडवांस गाड़ी के साथ, तो मेरे हिसाब से नेक्सो इज़ द कार फॉर यू। आप इसे जा करके बिल्कुल चेक करना। अब हम चलते हैं आज की हमारी लास्ट कार पे। तो मॉरिस गराजेस की एक्चुअली टैगलाइन है या ब्रांड लाइन है ह्यूमन थिंग, और मॉरिस गराजेस अपनी नई गाड़ी MG ZS जो कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वर्जन में आएगी 2021 में लॉन्च करने वाला है। इस गाड़ी के अंदर आपको दो इंजन मिलने वाले हैं और दोनों ही पेट्रोल इंजन होंगे। एक 1.3 लीटर का VTI नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलने वाला है आपको, जो कि 118 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा है 1.3 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 160 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 231 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा। MG ZS में आपको दो ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, एक आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा और एक 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांजिशन भी मिल जाएगा। अब फीचर्स की अगर बात करो तो MG इज फुल्ड विद फीचर्स, समझ रहे हो, कोई ऐसे दुनिया में फीचर नहीं है जो कि MG अपनी कार में नहीं लगाता हो, चाहे वो वॉइस कमांड ले लो या फिर अपने पूरा, समझ रहे हो, वॉइस कमांड से आप पूरी गाड़ी ऑपरेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपका वाईफाई भी उसमें लग जाता है। जितने भी, मतलब कुल मिला के दुनिया जहां के जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं वो MG में आपको देखने को मिल जाएंगी और इस गाड़ी में भी वो आपको देखने को मिलेंगी ही। उसके अलावा थोड़ा सा ये कहता था कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा लैग करता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा और एडवांस होकर के आ सकता है, तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी ले सकते हो। ये गाड़ी लॉन्च हो रही है 2021 जून में, यानी कि आने वाले 1-2 महीने में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी और इसकी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग भी नहीं होने वाली है। 12 से 14 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी जो कि MG की गाड़ी होगी। तो MG ना ऐसे बहुत एडवांस गाड़ी बनाता है और आपको वैल्यू फॉर मनी तो आपको मतलब रखता ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेता जितने ज़्यादा फीचर्स आपको उसमें दे देता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, एक एडवांस ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए कम पैसों में, तो इस गाड़ी को भी आप जाकर के देख सकते हो। तो ये थी आज की हमारी 10 गाड़ियाँ जिसमें हमने आपको सेडान्स दिखाएं, जिसमें हमने आपको बड़ी SUV दिखाई, कॉम्पैक्ट SUV दिखाई, इलेक्ट्रिक कार्स दिखाई। तो हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और जस्ट इन केस अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर
करके उसे सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें यहाँ तक देखा। हमें कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी बात हो, तो आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा हमारी इंस्टाग्राम ID विच इज़ रोलिंग पिस्टन्स एंड रोलिंग विद साइम, आप वहाँ पर भी हमें लिख सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू। टिल देन व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज दैट यू गाइज हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। नाउ आई एम गोना गो एंड टेक योर लीव टू प्रिपेयर सम मोर कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।